शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शुरू की गई कार्यवाही मंगलवार को भी जारी रही। मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर नो पार्किंग जोन में खड़े चौपहिया वाहनों पर यातायात पुलिस ने इंटरलॉकिंग की कार्यवाही की। इसके साथ ही सिटी सिनेमा रोड, चांग गेट, पाले बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़ी बाइक पर चालान की कार्यवाही करते हुए उनके एमवी एक्ट के तहत चालान काटे। मंगलवार को यातायात प्रभारी प्रसन्न काठात, राजेंद्र सिंह सुखपाल तथा परमेश्वर शहर के पाले बाजार पहुंचे तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यातायात प्रभारी राजेंद्र सिंह ने दुकानों के बाहर व अन्य जगहों पर बेतरतीब खड़े दुपहिया वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उनके चालान बनाए। साथ ही दुकानदारों को भी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन तरीके से पार्किंग में लगाने के लिए पाबंद किया। यातायात प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के नो पार्किंग जोन में खड़े दोपहिया वाहन इंटरलॉकिंग की गई। उन्होंने कहा कि जब भी कार मालिक आएगा तो उसे नियमानुसार चालान देकर ही अपना वाहन छुड़ाना पड़ेगा। सिंह ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए तथा आमजन को शहर के बाजारों में निकलने के दौरान होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष सिंह चौधरी व एसडीएम मृदु सिंह पूरा प्रयास कर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं।